दोस्तों ऋतिक रोशन की आने वाली टाइम 3 से 4 फिल्में रिलीज होने वाली है, जिसमें वार का दूसरा पार्ट और क्रिश 4 और फाइटर का लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली है, उसके बाद से ऋतिक के फैंस के बीच बवाल उठ रहा है। ऋतिक की बॉडी की चर्चा हो रही है कि यह बॉडी किस फिल्म के लिए बनाई गई है। दोस्तों इतनी खतरनाक बॉडी तो क्रिश 4 के लिए ही हो सकती है। ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर के लिए भी इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जाएगा। दोस्तों एक्टर ऐसी बॉडी तभी बनाते हैं जब उनको कोई फिल्म के लिए ही जरूरत होती है। ऋतिक रोशन के पैक आप देखते हैं कितने खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। ऋतिक रोशन के फैंस के लिए यह किसी सरप्राइज से कम नहीं है। दोस्तों हो सकता है आने वाले टाइम में क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि काफी दिनों से क्रिश 4 के स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा था। हो सकता वह कंप्लीट हो गई हो। वार 2 की शूटिंग तो पहले कंप्लीट हो चुकी है, अभी तो फिलहाल वक्त है क्रिश 4 और फाइटर की शूटिंग का। दोस्तों आने वाले टाइम में हमें ऋतिक रोशन की 3 फिल्में तो देखने को मिलेगी। क्रिश 4 के बजट की बात करें तो 800 करोड़ के आसपास इसका बजट अभी बताया जा रहा है। ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने फिल्म के बारे में कहा था कि इस बार वह हॉलीवुड लेवल का VFX यूज करेंगे। इसके लिए वह हॉलीवुड की VFX कंपनी की मदद भी ले सकते हैं। दोस्तों क्रिश 3 में विलेन विवेक ओबेरॉय थे, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि क्रिश 4 में विलेन कौन बनेंगे। लेकिन क्रिश 3 के बाद से ही लोग क्रिश के अगले पार्ट क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों अपडेट ये है कि क्रिश 4 हमें 2024 में देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले शायद फाइटर को रिलीज किया जाएगा। फिलहाल के टाइम पर 2023 में ऋतिक रोशन की वार 2 फिल्म रिलीज की जा सकती है, लेकिन वार का अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। अगर बात करें क्रिश 4 की तो अभी उम्मीद कर रहे हैं इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाए। दोस्तों क्रिश ऐसी सुपर हीरो फिल्म है जिसको हम सबने अपने बचपन में बहुत बार देखा है। लोग अब क्रिश को फिर से देखने को बेताब हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्रिश 4 का वेट कर रहे हैं या नहीं।